हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट इंफोटेक कंप्यूटर सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। जो टैली के ये एडवेंस हो और इसमें हम लोग ने क्या क्या जाना है उसके बारे में बात करें। डेटा एंट्री बनाना सीखा, जिसमें मैंने जर्नल एंट्री को बनाकर भी दिखाया था। वो जर्नल एंट्री आपकी थी वेजेस पेड वाली, ये वाली पूरी कम्प्लीट मैंने आपको बता दी, हर एक चीज़ बताई, कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या बनाना है, कौन सा जो है लेजर चूज करना है, सब चीज़ें बताइए। अगर आप में से कोई नया हो तो वो पहले डे 6 को देखे, फिर इस वीडियो को देखेगा तो आपको हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम आगे की एंट्री में चलते हैं, एंट्री नंबर 2। तो कुछ एंट्रियाँ हम आपको कराएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ एंट्रीज देंगे, आप करिएगा। और करने के बाद मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप अपने वर्क को मुझे कैसे दिखाएंगे। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ, ठीक है, तो उस पर आप अपना वर्क भेजिएगा। और बाकी ऐप के थ्रू भी आप हमारे स्मार्ट इन्फोटेक के ऐप के थ्रू भी अपने असाइनमेंट्स को पूरा करके भेज सकते हैं, ठीक है, वो सारे तरीके आपको बता दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आप अपनी एंट्री पे फोकस करिए। तो एंट्री नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारी, सैलरी रिसीव्ड ₹6,000। जैसा कि मैंने बताया था, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जो भी कुछ हो रहा है आपको ये मानना है कि सब कुछ आपकी कंपनी में ही हो रहा है। तो सैलरी रिसीव हो रही है, आपकी कंपनी कर रही है, क्या कर रही है, सैलरी रिसीव कर रही है। हालांकि कंपनी सैलरी रिसीव नहीं करती है, बट क्वेश्चन है तो इस तरह से देखें, हाँ कंपनी के डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सैलरी रिसीव करते हैं। तो फिलहाल आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना, सिंपल सा है क्वेश्चन है, सैलरी रिसीव, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो सैलरी रिसीव है तो सबसे पहले, पहले की तरह मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले हम लोग दो खाते निकाल लेंगे। तो एक खाता क्या रिसीव करें, सैलरी रिसीव करें, तो एक खाता हमारा सैलरी बनेगा। और कितना रिसीव करें, 6,000, तो जो अमाउंट होती है वो हमारा कैश होगा। तो दो खाते यहाँ पर हमारे निकल के आ गए, एक सैलरी और एक कैश। अब पहले की तरह रूल नंबर 1 था खाते चूज करना, आइडेंटिफाई करना, वो हम कर चुके हैं। दूसरा इनकी पहचान करना कि सैलरी किस में जाएगा और कैश किस में जाएगा। तो सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। जिसको नहीं पता है वो हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वाला वीडियो देखे और अच्छे से समझ जाएगा कि कौन सी चीज़ किस में जाती है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं। उसको आपको पहले पढ़ना है तभी जर्नल एंट्री समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो सॉरी, तो सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, अब डायरेक्ट देखिए मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है आपको, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। सिंपल है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है तो इस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट्स एंड इनकम्स। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि खर्चों को डेबिट में रखो और इनकम को क्रेडिट में रखो। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सैलरी हम रिसीव कर रहे हैं, यानी हमारी कंपनी सैलरी रिसीव कर रही है, रिसीव है मतलब इनकम है, इसलिए यहाँ पर ये इनकम में रखा गया। तो इनकम है तो ये हमारी क्रेडिट होगी, इनकम है तो ये हमारी क्रेडिट होगी, ठीक है। कैश रियल है, रियल का रूल, रियल का बहुत सिंपल है, इन आउट देख लीजिए खाली, कि इन है बिजनेस में आ रहा है जो, वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश सैलरी रिसीव कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब कुछ रिसीव हो रहा है तो पैसा आ रहा है, तो ये इन है, ये हमारा इन है, इन है तो डेबिट व्हाट कम्स इन से ये हमारा डेबिट हो जाएगा। अब नीचे प्रॉपर वे में हमने जर्नल एंट्री को बना रखा है, एंट्री को आप देख सकते हैं, ठीक है। एंट्री में हमने आपको बताया था जब हम एंट्री बनाएंगे तो इन दोनों में जो डेबिट होगा वो पहले लिखेंगे। तो डेबिट यहाँ पर हमारा कैश था, तो अब की बार देखिए हमने कैश को पहले लिखा है। कैश अकाउंट डेबिट लिखने का तरीका आप सब में वही रहेगा जो अभी हम प्रीवियस फर्स्ट एंट्री में बता के आए, इसलिए उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। किसी को डाउट है तो वो इससे पहले वाली वीडियो डे 6 को देख ले, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट था डेबिट पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट डाल देंगे 6,000। सैलरी क्रेडिट है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सैलरी को क्रेडिट करना था, तो क्रेडिट की सिंबल 2 होती है, तो लिखा 2, सैलरी अकाउंट 6,000। यहाँ पे अमाउंट के नीचे अमाउंट नहीं लिखते हैं क्योंकि ये डेबिट कॉलम होता है, ये क्रेडिट कॉलम होता है, ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। नरेशन बिंग, और नरेशन में इस बात की जानकारी हम देते हैं कि एंट्री हम किस चीज़ की पास कर रहे हैं। तो क्या था, ये सैलरी रिसीव थी, तो बिंग सैलरी रिसीव्ड। ये F6 क्या है, ये अभी जब हम टैली पर एंट्रियाँ पास करेंगे तो इनको भी जानेंगे, सब वहाँ पर वाउचर्स के शॉर्टकट्स होते हैं तो अभी जानेंगे इनको। फिलहाल ये हमारी सेकेंड एंट्री है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से एंट्री नंबर 3 है,
₹7,000 पेड टू राहुल, राहुल को ₹7,000 कंपनी ने दिए, तो दिए हैं। तो सबसे पहले दो खाते यहाँ पर भी बेटा हमें निकाल लेना है। तो हमारे दो खाते कौन कौन से हैं, एक राहुल को दिए, क्या दिए, पैसे दिए, तो दो खाते आ गए, एक हमारा राहुल आ गया, एक हमारा सिंपली कैश आ गया। तो एक राहुल और एक कैश हमारा यहाँ पे निकल के आया। तो अब पहचान कर लीजिए, राहुल नेम है, नेम हमारे पर्सनल अकाउंट में जाते हैं, कैश हमेशा से रियल है आपका तो रियल रहेगा। अब यानी राहुल डेबिट होगा या क्रेडिट, इसके लिए हमें पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल ये बताता है कि पाने वाले पक्ष को डेबिट में रखना है और देने वाले पक्ष को क्रेडिट में रखना है। तो अब ज़रा यहाँ पर आप देखिए, हम राहुल को 7,000 पे कर रहे हैं, तो 7,000 किसको मिल रहे हैं, राहुल को, राहुल को पे हो रहा है, तो राहुल 7,000 रिसीव कर रहा है, तो यानी राहुल जो है वो इस 7,000 का रिसीवर है, इसलिए यहाँ रिसीवर लिखा है। तो डेबिट द रिसीवर के नियम से ये हमारा राहुल डेबिट में चला जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, ठीक है। अब कैश रियल है, रियल का रूल वही, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। तो यहाँ पे हम पे कर रहे हैं, जब पे करेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगेगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जो एंट्री बन के आएगी फॉर्मेट में वो राहुल डेबिट में और कैश क्रेडिट में। तो ज़रा चेक करते हैं नीचे, देखिए हमारी एंट्री यहाँ पर बनी हुई है बेटा, राहुल डेबिट है, कैश क्रेडिट है, राहुल के आगे अकाउंट नहीं लगा है, ठीक है। आप ध्यान दें कि हम जो अकाउंट वर्ड लगाते हैं वो निर्जीव चीज़ों के साथ लगाते हैं, अगर कोई आप लिविंग थिंग है, तो अगर जैसे आप राहुल के आगे अकाउंट लगाना चाहते हैं तो आप एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राहुल्स अकाउंट यानी राहुल का खाता आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर नहीं लगाना चाहें तो बेहतर है आप केवल नाम लिखें जैसा कि अभी लिखा हुआ है। तो राहुल डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 7,000, नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू राहुल, ठीक है। एंट्री नंबर हमारी ये कंप्लीट हुई थर्ड। अब हमारा आता है एंट्री नंबर फोर। एंट्री नंबर फोर में रिसीव हो रहा है, अभी ऊपर राहुल को पे हो रहा था, अब कोई ए के सिंह है उनसे रिसीव हो रहा है, ₹800 रिसीव्ड फ्रॉम ए के सिंह, तो ए के सिंह से ₹800 रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पर सेम दो खाते हमें निकालने हैं, तो एक ए के सिंह बनेगा और एक कैश बनेगा, जो कि यहाँ पे हम बना चुके हैं, एक ए के सिंह और एक कैश। ए के सिंह पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, जैसा कि मालूम है कैश ऑलवेज रियल। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर आप ए के सिंह से पैसा रिसीव कर रहे हैं, रिसीव हो रहा है, रिसीव फ्रॉम ए के सिंह, ए के सिंह से पैसा रिसीव हो रहा है, तो ए के सिंह पैसा दे रहे हैं, ए के सिंह क्या है यहाँ पे गिवर है, तो ए के सिंह यहाँ पर गिवर है, तो गिवर है तो यहाँ पे जो रूल लगेगा पर्सनल का वो क्रेडिट द गिवर लगेगा, क्या लगेगा, क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट में जाएंगे। और रिसीव हो रहा है पैसा, तो पैसा रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा क्योंकि पैसा आ रहा है। तो हमारी एंट्री बन के आएगी, डेबिट पहले लिखा जाता है तो एंट्री बन के आएगी कैश अकाउंट DR टू ए के सिंह, नाम है तो मैंने नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाई, नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड। फिर है हमारी एंट्री नंबर फिफ्थ, अ बिल्डिंग परचेज ₹5,00,000, 5,00,000 की बिल्डिंग कंपनी ने कोई खरीदी है, ठीक है। तो दो खाते हैं, एक बिल्डिंग एक कैश, दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो दोनों रियल में हैं, दोनों रियल हो सकते हैं नो प्रॉब्लम, दोनों पर्सनल हो सकते हैं नो प्रॉब्लम, दोनों नॉमिनल हो सकते हैं नो प्रॉब्लम, बस ध्यान रखेंगे दोनों डेबिट नहीं होंगे, दोनों क्रेडिट नहीं होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट ज़रूर होगा। तो यहाँ पे दोनों रियल हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गई, अब हमें दो खातों को नहीं सोचना है, खाली रियल वाले ही रूल देख लेना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्या है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या है। तो अंडरस्टूड है बेटा, जब आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग आपकी इन हो रही है, बिजनेस में आ रही है और पैसा जा रहा है, तो आपका बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट से क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री देखिए हमारी बन के आ गई है, बिल्डिंग अकाउंट DR 5,00,000 टू कैश अकाउंट 5,00,000, नरेशन बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने एंट्री किस चीज़ की पास करी है। एंट्री नंबर सिक्स में फर्नीचर बेचा गया है, कंपनी ने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर सोल्ड, तो दो खाते एक फर्नीचर एक कैश, पहले की तरह दोनों ही रियल हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो रियल का रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। रियल का रूल हमारा सिंपल है, इन आउट चेक कर लें, फर्नीचर बेचने पे क्या जा रहा है क्या आ रहा है,
फर्नीचर बेच रहे हो तो फर्नीचर जा रहा है, ये आउट हो गया, क्रेडिट वाट गोज आउट लग जाएगा इस पे, कैश फर्नीचर बेचोगे तो कैश पैसा आएगा तो ये डेबिट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कैश डेबिट होना है, तो कैश अकाउंट DR रखा गया और फर्नीचर जा रहा है क्रेडिट वाट गोज आउट से, तो ये क्रेडिट में रखा गया टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक, नरेशन बीइंग फर्नीचर सोल्ड। आई होप आपको अब आसानी से समझ में आ रही होंगी, अगर प्रीवियस वीडियो आपको क्लियर है। कैसा भी कोई डाउट कुछ भी हो तो मुझे आप बताएं, हेल्पलाइन नंबर पे बताएं, और जो भी माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करते हैं उन माध्यम से बताएं अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न वगैरह आ रही है। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट करके ही चल रहा हूँ। तो ये हमारा फर्नीचर सोल्ड का एंट्री था, एंट्री नंबर 6। अब आता है हमारा एंट्री नंबर 7। ये एंट्री नंबर 7 देखो वही एंट्री है जो हर व्यापार के लिए पहली एंट्री होती है, फर्स्ट। मैंने यहाँ 7 पे रखी है क्योंकि कोई हम लोग एक्चुअल रियल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 80,000, 80,000 से व्यापार शुरू करा। तो यहाँ पर दो खाते कौन से होंगे? अब कुछ लोग सोचेंगे कि एक बिजनेस अकाउंट बना ले, नहीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस एंट्री के लिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्टेड जो दिया हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 80,000, तो यहाँ पर बिजनेस अकाउंट नहीं बनता है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी व्यापार शुरू किया जाता है तो वहाँ पर एक खाता आपका कैपिटल बनेगा ही बनेगा व्यापार शुरू करने के लिए, और दूसरा खाता जिससे व्यापार शुरू कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे नगद से शुरू कर रहे हैं तो कैश आ जाएगा। मान लीजिए नगद के अलावा आप कुछ जो है फर्नीचर भी लगा देते या अपना कंप्यूटर लगा देते तो उनका खाता भी बनता। फिलहाल यहाँ पर हमारा इस सिचुएशन में जब भी व्यापार शुरू होगा एक कैपिटल का खाता बनना है, और जिससे व्यापार जितनी चीज़ से शुरू कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर जो शुरू कर रहे हैं वो केवल कैश के थ्रू ही शुरू कर रहे हैं, 80,000 से ही शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका एक कैपिटल बनेगा और एक कैश बनेगा। तो यहाँ पर दो खाते आपके आ गए हैं, एक कैश आ गया है, एक कैपिटल। कैश पहले की तरह रियल होगा और कैपिटल नॉमिनल अकाउंट में लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैश रियल है बिजनेस में, एज आई टोल्ड यू कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में वो पैसा रिसीव होता है प्रोप्राइटर से, तो ये हमारा डेबिट में जाएगा। आप ये ना सोचे कि पैसा आपके पास से जा रहा है, क्योंकि व्यापार शुरू होगा तो पैसा आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन से इसको डेबिट कर दीजिएगा। और कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा आपकी क्रेडिट होती है। तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, ये हमारे 7 एंट्रीज यहाँ तक कंप्लीट हुए। तो 7 एंट्री तक इस वीडियो को हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले डे पर जो भी क्लास होगी वो एंट्री नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे।